नमस्कार, मैं माधवी सिंह, मात रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं कच्चे आम का मुरब्बा बनाना बताऊंगी। अब ये केरियों को मैंने इस तरह से काट लिया है। अब हम क्या करेंगे कि गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे। अब इसमें मैं डाल दूंगी आधा लीटर पानी। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, मैंने 1/4 टीस्पून। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी और इसे बॉईल होने देंगे। अभी पानी बॉईल होने लगा है, अब इसमें मैं ये केरियों को डाल दूंगी जो मैंने काट के रखा था, और इसे 50% तक हमें पकाना है, एकदम गलाना नहीं है, बस हाफ कुक हो जाए फिर हम इसे निकाल लेंगे। बीच बीच में हमें इसे तला देना है ऐसे। अब ये 3-4 मिनट तक पक गया है। अब ये देखिए इस तरह से हमें इसे पकाना है। ये मैंने ये आसानी से कट रहा। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसे छन्नी में निकाल लेंगे। अब ये छन्नी में मैंने केरियों को निकाल लिया और इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, ये इस्तेमाल हो जाएगा कढ़ी या कुछ में भी ऐसे इस्तेमाल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब ये केरियां हमारी कितनी थी, 600 ग्राम के करीब थी, तो हम इसमें डालेंगे 1/2 किलो शक्कर। मैंने इस कटोरी से मैं ये 2 और ये 3 कटोरी में शक्कर डाल रही हूँ, 1/2 किलो। अब इसी कटोरी से हम डाल देंगे 1.5 कटोरी पानी, मैंने शक्कर बस भीग जाए इतना, बस 1.5 कटोरी। अब हम गैस को ऑन कर देंगे और इसकी चाशनी बना लेंगे। हमें एक तार की चाशनी बनाना है। शक्कर इतना, यदि आपको नाप कर नहीं डालना है तो इतना डालिए कि शक्कर में पानी डूब जाए, शक्कर डूब जाए बस। और इसे हम पका लेंगे एक तार की चाशनी होने तक। अब ये देखिए ये चाशनी बॉईल होने लगी है और अब हम इसमें चेक करेंगे कि हमारे एक तार बनने लगा कि नहीं। इसे थोड़ा ठंडा करेंगे, ये अभी नहीं बन रही है, मतलब थोड़ा हमें और पकाना पड़ेगा। फिर से चेक करके बताती हूँ। बस थोड़ा ठंडा कर लेंगे और ये देखिए अब ये एक तार थोड़ा भी ठंडा हो जाए, ये देखिए एक तार ये बनने लगी, मतलब अब ये हमारी चाशनी हो गई है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे कि इसमें केरी डाल देंगे, ये जो मैंने बॉईल करके रखा था वो डाल देंगे। अब ये केरी डालने के बाद ये अभी चाशनी फिर से पतली हो जाएगी, क्योंकि इसका जो रस निकलेगा केरी का तो उससे चाशनी पतली हो जाएगी, तो इसे हमें फिर से एक तार की बनाना है। अब इसे हमें बॉईल होने देना। अब ये देखिए केरी डालने के बाद चाशनी पतली हो गई है। अब हमें इसे इतना पकाना है मीडियम फ्लेम में कि एक तार फिर से बनने लगे। अभी नहीं बन रहा है, ये देखिए अभी नहीं बन रहा है। अब इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे जिससे इस शक्कर के क्रिस्टल नहीं बनेंगे। मैंने 1/2 नींबू लिया सा था, थोड़ा सा निचोड़ दिया इसमें, जिससे वो शक्कर के से दाने दाने हो जाते हैं ना ठंडे होने के बाद कभी कभी, तो वो नहीं बनेगा, क्रिस्टल नहीं बनेंगे शक्कर के। अब इसमें हम डाल देंगे केसर डाल देंगे, ऑप्शनल है, आपको डालना हो तो डालिए, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, इसमें इलायची और दालचीनी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो मैंने क्या किया है ये 4-5 इलायची ली है, इसे हम थोड़ा सा ऐसे कूट लेंगे। ये इलायची को मैंने ऐसे कूट लिया, ये डाल देंगे और ये दालचीनी और लौंग और काली मिर्च, इसे भी हम थोड़ा सा कूट लेंगे दरदरा। अभी लौंग और काली मिर्च भी हम इसमें डाल देंगे और ये टेस्टी भी लगता है, आप इसे पूड़ी परांठे के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं इसकी चाशनी। अब ये देखिए ये एक तार ये बनने लगा है, मतलब फिर से बनने लगा, अब मतलब कि ये हमारी केरियाँ हो गई हैं। और ये देखिए ट्रांसपेरेंट भी दिखने लगा है, केरी दिखने लगी है, ये मतलब इसके अंदर अच्छे से रस भर गया है बढ़िया। ये देखिए ट्रांसपेरेंट दिख रही कि नहीं केरियाँ ये, और इसकी ये चाशनी भी सही है,
मतलब कि अब ये हमारा मुरब्बा बनके तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब इसमें मैं बिल्कुल जरा सा जायफल है ये, इसको घिस दूंगी, इससे ही बहुत अच्छा टेस्ट है। ज्यादा नहीं, बस 1, 2, 3, 4, बस इतना, ज्यादा नहीं, नहीं तो फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता ज्यादा। अब ये देखिए ये ठंडा हो गया है और एकदम ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। अब इसे हम एक कांच की बॉटल लेंगे और उसे अच्छी तरह से मैंने साफ कर लिया है। अब इसमें हम भर देंगे और आप यदि चाहें तो इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं इसमें सेक के, लेकिन ड्राई मतलब कोई घी भी से नहीं, ऐसे सिर्फ ड्राई रोस्ट करके और इसमें डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, यदि आपका मन हो तो डालिए, नहीं कोई ज़रूरी नहीं ये। अब इसे हम बॉटल में भर देंगे। और ये साल भर बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं खराब होगा। यदि आप इसमें कोई गीला चम्मच वगैरह नहीं डालेंगे या गीले हाथ से नहीं इसमें टच करेंगे, ये आपका बाहर रख के भी आप साल भर तक आराम से खा सकते हैं। अब इसे धूप में कुछ की भी जरूरत नहीं है और पूड़ी पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। खाने के साथ भी आप ले सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और इसे आप बनाइए, और जल्दी भी बन जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगता है। अब ये हमारा मुरब्बा बनके तैयार है केरी का। आप इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।